हेलो, मैं डॉक्टर सुनीता जैन TWPC अजमेर से। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारा गुड पोस्चर कैसा होना चाहिए, फिर हमारा सिटिंग पोज कैसा होना चाहिए, फिर हमारा स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा गुड वॉकिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। गुड वॉक कैसे कहलाती है, या हम अगर वॉक कर रहे हैं और अगर हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है तो हमारी वॉक अच्छी नहीं कहलाएगी। मतलब वो हम जब वॉक कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमको उतना नहीं मिलेगा जितना हमको वॉकिंग करने का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके लिए पोस्चर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्लाइड के द्वारा आप देखिए कि ये लेडी कैसे वॉक कर रही है, कि जब आपका राइट लेग आगे आता है तो आपका राइट हैंड पीछे की तरफ जाता है। किस तरीके से आपको वॉक करनी चाहिए, वो ग्रेसफुली वॉक कहलाएगी। इसी प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है कि हम नॉर्मली, मतलब हम जब काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमें आरामदायक मुद्रा में किस तरीके से बैठना चाहिए। अब एकदम यूँ लेट के पसर के नहीं बैठ सकते क्योंकि कमर में दर्द हो जाएगा। अगर हम आगे की तरफ झुक के बैठेंगे तो कमर बैंड हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा अकड़ के बैठेंगे तो हमारे कंधों में और कमर में दर्द हो जाएगा। इसलिए पीछे की तरफ खिसक के आरामदायक मुद्रा में कोहनी को सटाकर बैठना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा चेस्ट को निकाल के बैठेंगे तो भी हमारा पोज गलत कहलाएगा। इसलिए इन सब चित्र की सहायता से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए जो कि सामने वाले को भी अच्छा लगे देखने में, और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो और हम दूसरों को अपेयरिंग पोजीशन में मिलें। स्मार्टली किस तरीके से बैठना चाहिए, इस वीडियो के द्वारा मैंने आज आपको बताया। देखिए, इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि अगर हम पीछे की तरफ झुक के चलते हैं तो हमारा पोज अच्छा नहीं माना जाएगा और हम बहुत देर तक नहीं चल सकते। हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, पैरों में ज़्यादा दर्द होगा, सांस फूलने लग जाएगी। और इसी प्रकार दूसरे पोज में है कि हम आगे की तरफ अगर ज़्यादा झुक के चलते हैं तो हमारे कमर में दर्द होगा, थक जाएंगे, पैरों में भी दर्द हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पोज में जैसे ये जो लड़की है वो एकदम स्ट्रेट खड़ी होकर चल रही है तो ये पोज अच्छा माना जाएगा क्योंकि स्ट्रेट है, पैर स्ट्रेट है, हाथ भी अच्छी आरामदायक पोजीशन में है। इस प्रकार इस स्लाइड में दिखाया गया है कि अगर हमारा पोज अच्छा नहीं है, हमारा बॉडी की जो पोस्चर है वो अगर गलत है या हम अच्छे से वॉक नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी पोस्चर को एक्सरसाइज के थ्रू बेटर बना सकते हैं, योगा के थ्रू बेटर बना सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से कर सकते हैं। पेट के बल सीधे लेट जाएं और पैरों को मुड़ के साइकिलिंग करें या फिर पैरों को मुड़ के बेंडिंग करें जैसा कि चित्र में है। राइट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, इन्हें टच करें और एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, इससे पोस्चर अच्छा होगा, स्टेमिना बढ़ेगी, ब्रीदिंग हमारी अच्छी होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, तो हम अच्छे से वॉक कर पाएंगे। थैंक यू।